नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कैर सांगरी की सब्जी बनाएंगे। ये राजस्थान की स्पेशल सब्जी है। किसी भी पार्टी और किसी भी खास अवसर पर इसे बनाया जा सकता है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है। तो आइए कैर सांगरी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने सांगरी को अच्छी तरीके से 3-4 बार पानी से धोया और फिर 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। पानी हटा दिया है और ये भीगे हुए सांगरी हैं। इसी तरीके से केर 1/4 कप हमने पूरे 4-5 बार पानी से धोए और 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगो दिए हैं। पानी हटा दिया है और ये भीगे हुए केर हैं। 4-5 टेबल स्पून तेल, 3-4 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2-3 टेबल स्पून किशमिश, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, 3-4 लाल मिर्ची सूखी हुई, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1.5 छोटी चम्मच या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। कैर सांगरी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कैर और सांगरी को उबालेंगे। कैर और सांगरी को उबलने के लिए हम कुकर में डाल देंगे कैर और ये सांगरी। और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, 2 कप पानी डाल देंगे, 2 कप पानी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, गैस ऑन कर देते हैं और कुकर में 1 सीटी आने के बाद गैस धीमी करेंगे और कैर सांगरी को 2-3 मिनट तक धीमी गैस पर और पकने देंगे। कुकर में सीटी आ गई है, गैस धीमी कर देते हैं और धीमी गैस पर हम और 2-3 मिनट कैर सांगरी को उबलने देंगे। इसके बाद गैस बंद कर देंगे और प्रेशर ख़त्म होने के बाद कुकर खोलेंगे। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है और हमारे कैर सांगरी भी उबल करके तैयार हो गए हैं। हम कैर सांगरी को छलनी में निकाल करके रख लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इनसे निकल जाए और हम इसे 1-2 बार अच्छे पानी में धो लेंगे ताकि अगर थोड़ी बहुत मिट्टी कैर सांगरी में रह गई होगी तो वो भी साफ़ हो जाएगी। ये हमने कैर और सांगरी को छान लिया है, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब हम सब्जी बनाना शुरू कर। कढ़ाई हमने गरम कर ली है, कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। कैर सांगरी की सब्जी में तेल और मसाले थोड़े ज़्यादा डाले जाते हैं तभी ये सब्जी एकदम चटपटी और बहुत अच्छी बनती है। तेल गरम होने पर जीरा डालेंगे, हींग डाल देंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर और ये साबुत लाल मिर्च। मसाले को थोड़ा सा भुनें और अब हम ये कैर सांगरी डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, नमक, किशमिश, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए सब्जी को पकाएं। सब्जी को हमने अच्छे तरीके से 3-4 मिनट तक चलाते हुए भूनकर पका लिया है और हमारी कैर सांगरी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके मिक्स कर देंगे और सब्जी को प्याले में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके गार्निश कर देते हैं। कैर सांगरी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर के तैयार है।
कैर सांगरी की सब्जी पूरी पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। सब्जी को फ्रिज में रख करके 2-3 दिन तक खाया जा सकता है और इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। कैर सांगरी की सब्जी को साइड डिश के रूप में सर्व कीजिए। आपका जब भी मन हो कैर सांगरी की सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।